के 11 बज रहे हैं। फाइनली मैं शावर वगैरह ले चुकी हूँ और काम भी कर चुकी हूँ, तो रेडी भी हो गई हूँ थोड़ा सा। और अभी चलते हूँ छत पे। आज तो धूप भी नहीं है, पर हाँ चलो कपड़े डालने हैं छत पे, तो चलिए कपड़े चलते हूँ डालने। हाँ मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। आप देख रहे हो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, और ठंड भी आज हो रहा है कुछ ज़्यादा ही। चलिए चलती हूँ नीचे, क्या फ़ायदा, हवा बहुत चल रहा है। अभी तक मैं रील्स बना रहे थे इंस्टा के लिए, इंस्टा पे अपलोड हो चुका है रील्स वीडियो, और आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी सपोर्ट कीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है इनका की लाइफ स्टाइल, और मैंने क्योंकि 1 बज रहा है और मैं वीडियो बना रही थी तो बाल तो खुला की थी, और इतना ज़्यादा बाल भी टूटा है, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा कर। आप देख सकते हो इतना सारा बाल टूटा है बाल खुला करने की वजह से। चलो मैं लंच कर लेती हूँ। चलिए लंच में मैंने फाइनली सब्जी और रोटी चलिए करके दे लेती हूँ लोगों से। कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और उसके बाद लंच करने के बाद मैं सो गई थी। और चलिए अभी शाम हो गया, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं चल रही हूँ, और अभी चलिए मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए एक कप। देख रहे हो यहाँ मेरी चाय पक रही है और मैं अच्छे से इसको पका लूँ। चाय मेरा बन चुका है, अब मैं गैस को करती हूँ ऑफ और चाय छान लेती हूँ। चलिए आप देख सकते हो सिंक में इतने बर्तन हैं और बाकी पूरा साफ है, और यहाँ मेरा चलो फैन है, और आप देख सकते हो यहाँ मैं पापा ले लूँ। चलिए मैं पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज मैं बना रही थी छोले, और चलिए बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मसाले में तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्च सब ले लिया है। अब मैं इन सबको ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ग्राइंडर में डाल लिया, और यहाँ मैं ग्राइंड करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ मैं मसाला ग्राइंड कर ली हूँ, मतलब प्याज वगैरह पीस ली हूँ, पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं लगाऊँगी तड़का, तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया। आप देख सकते हो हाँ कुकर गर्म हो चुका था और मैं तेल डाल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तेल डाल दिया, और तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी एक तेज पत्ता, और तेज पत्ता के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद उसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग। इन सबको डालने के बाद मैं हल्का सा इसको पका लूंगी, और आप देख सकते हो यहाँ ये मतलब मैंने हींग भी डाल दिया है और ये सब पक रहा है। और इधर मैं चने वगैरह वॉश करके रख ली थी पहले से धुल के, और यहाँ फाइनली मेरा तड़का मतलब गोल्डन हो चुका है। मैं इसमें पिसा हुआ प्याज टमाटर का पेस्ट डालूँगी। जब तक ये भून रहा है तब तक मैं मसाले भून लेती हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं मसाले में क्या क्या लूँगी। मसाले में यहाँ मैं लूँगी 1 चम्मच मिक्स मसाला, ये मिक्स है इसमें सब कुछ है, और यहाँ मैं लूँगी देगी मिर्च पाउडर पाउडर, यहाँ मैं ये मसाला गोल्डी ये मैं डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी बस आधा, आधा डालू और आधा बच्चा यहाँ मैंने मसाले का घोल भी बना लिया है,
और सेम उसी मिक्सर जार में जिसमें मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। और अभी मेरा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। और चलिए मैं अभी प्याज और टमाटर वाले ही पेस्ट में मैं डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार। मसाले का घोल देख सकते हो, यहाँ मेरा मसाला अच्छे से तेल छोड़ दिया है। ये देखिए अच्छे से पक चुका है, आपको दूर है थोड़ा तो कैमरा दिख रहा है। मैं इसमें डालूंगी चने, चने मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चने को भी भून लूँगी 5 मिनट मसाले में, यहाँ 2-3 मिनट तक मैंने चने भी भून लिए हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी। चलिए मैं तब तक अपना और काम कर लेती हूँ। 20 मिनट हो चुका, अब चेक करती हूँ छोले हो गया है या नहीं। पहले मोबाइल रख देती हूँ। आप देख सकते हो छोले एकदम बन के तैयार हो गया है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें धनिया का पत्ता डाल दूँगी जो मैंने कट करके पहले से रख लिया था, और यहाँ मैंने धनिया का पत्ता भी डाल दिया है। अब मैं इसको कर लूँगी खाली, और इसी कुकर में मैं चावल भी डालूँगी। देख सकते हो प्रॉपर छोले बन के तैयार हो चुके हैं। और चलिए मैं डाल देती हूँ चावल। चलिए यही मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।